लोकसभा इलेक्शन के चलते गुलबर्गा एक्स डिप्टी मेयर सज्जाद अली इनामदार के घर पर मशवरती इजलास ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सज्जाद अली इनामदार के साथी और सपोर्टर्स के साथ मिल इलाके के जिम्मेदार यहां मौजूद थे। तमाम लोगों के साथ सज्जाद अली इनामदार ने कांग्रेस कैंडिडेट राधाकृष्णा डोडेमोनी को अनकंडीशनल सपोर्ट का ऐलान किया है। इस मौके पर सज्जाद अली इनामदार ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के गुलबर्गा शहर पर बहुत बड़े एहसानात हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बदौलत गुलबर्गा शहर में 371J ESI हॉस्पिटल, कड़गंजी यूनिवर्सिटी, गुलबर्गा एयरपोर्ट और दीगर कई डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। और खासकर इस बार AICC प्रेसिडेंट बनने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे के होम कॉन्स्टिट्यूएंसी गुलबर्गा पर नरेंद्र मोदी और दीगर तमाम BJP लीडर्स की नज़र है। गुलबर्गा कांग्रेस कैंडिडेट राधाकृष्णा डोडेमोनी मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं और इनको जिताना गुलबर्गा शहर के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सज्जाद अली इनामदार के साथ इनके तमाम सपोर्टर्स और एरिया के जिम्मेदारों ने कहा, ये इस बार के इलेक्शन में राधाकृष्णा डोडेमोनी को अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं और तमाम गुलबर्गा शहर के आवाम से गुजारिश कर कहा, 7 मई को घर से निकलकर अपना कीमती वोट राधाकृष्णा डोडेमोनी जी को देकर इन्हें कामयाब बनाएं। इस मशवरती इजलास से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Assalamu alaikum. Namaste. मैं सैयद सज्जाद अली इनामदार, साबिका डिप्टी मेयर गुलबर्गा। आज 25 अप्रैल शाम को मैं मेरे मकान पर मेरे साथियों की, मेरे दोस्तों की, आम आदमी पार्टी में मेरे साथ काम किए हुए लीडर्स के साथ एक मीटिंग मुनक़द की। इस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि हम तमाम जो है ना डॉक्टर राधा कृष्णा साहब का सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे और उनको जिताएंगे। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जितनी भी तारीफ करें कम है। डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर हम पर और हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, कल्याण कर्नाटका और सारे कर्नाटका पर जो एहसान है वो हम उसको भूल नहीं सकते। गुज़िश्ता 2019 में हमारे कुछ भाइयों से गलती हुई है, इंशाल्लाह वो गलती इस बार नहीं होंगी। हम जो है ना राधा कृष्णा साहब को जिताने के लिए खड़गे साहब का जो काम है, हमको आर्टिकल 371J मंजूर कराए हैं, उनकी वजह से आर्टिकल 371J हमें मिला है, वरना हम आज ये डेवलपमेंट जो हो रहे नहीं देख सकते थे। आज तूफ़ानी डेवलपमेंट हो रहे हैं। ESI हॉस्पिटल देखिए, पुलिस भवन देखिए, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर देखिए, खड़गंची यूनिवर्सिटी है, ये मामूली काम नहीं है। ये कोई साधारण लीडर से नहीं होता जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया है। तो आज हम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का फैन हूँ, पक्का फैन हूँ। जब जब भी उन्होंने पार्लियामेंट को आए तब से 2009 में, 2014 में, 2019 में मैं खड़गे साहब का फुल काम किया हूँ और वोट डलाया हूँ, वोट दिया हूँ। आज भी 2024 का जो इलेक्शन है कांग्रेस को वोट देंगे। मेरा अपना अनकंडीशनल सपोर्ट है, मेरे सब साथियों का अनकंडीशनल सपोर्ट है। हम सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। 2 से 2.5 लाख लीड आने के लिए हम जो है ना रात और दिन मेहनत कर लीड दिलाएंगे, राधा कृष्णा साहब को जिताएंगे। मैं और एक अहम बात बोलता हूँ, ये इलेक्शन सबसे अहम इलेक्शन है, सबसे अहम इलेक्शन है गुलबर्गा के लिए, क्योंकि गुलबर्गा की पहचान सारे हिंदुस्तान में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के वजह से हुई। बिकॉज ऑफ वो बने ऑल इंडिया कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, AICC के प्रेसिडेंट बनने के बाद आज सारी दुनिया में सारी दुनिया के नक्शे में गुलबर्गा कहाँ है लोगों को पहचान हुई है, लोगों को मालूम हुआ है। और सारे BJP मोदी सरकार, RSS, ये हिंदुस्तान के जितने भी मनुवादी हैं या तो BJP के लोग हैं, खड़गे साहब के गांव की सीट को, खड़गे साहब के लोकसभा सीट को जो है ना हराने के कोशिश में हैं।
लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होंगे, नामुमकिन है। तो लिहाजा हमारे सीट पर हिंदुस्तान की नज़र, हिंदुस्तान के सारे सूबों की नज़र है, हिंदुस्तान के सारे पार्टियों की नज़र है, सारे हिंदुस्तान की नज़र है, साथ साथ में दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो आज देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे एक पावरफुल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस के, AICC के, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लीड दिलाते हैं, कैसा जिताते हैं, तो हम जिता के बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का स्टार चल रहा है, 2019 में नाकाम होने के बाद, हारने के बाद आपको राज्यसभा मेंबर बनाए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी और सोनिया जी ने, आज उनका स्टार चल रहा है। इस इलेक्शन के बाद अल्लाह ताला और क्या देने वाला है उनको अल्लाह ही जानता है। हमारी दुआ है, हम सब ये अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे खड़गे साहब को और ऊंचाई पे पहुंचाए, हो सका तो प्रधानमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, बनने के चांसेस भी हैं, सितारा है। इसलिए हम गुलबर्गा से अगर हमारे से थोड़ी भी मिस्टेक हुई तो हम गुनहगार होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। लिहाजा तमाम लोगों से, खासकर मेरे हिंदू भाइयों से, लिंगायत भाइयों से, अपर कास्ट से, ब्राह्मण भाइयों से, इस एक मर्तबा आप BJP को हटा दीजिए गुलबर्गा से, सिर्फ एक मर्तबा रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मर्तबा, क्योंकि हिंदुस्तान के कांग्रेस के हिंदुस्तान के दिल्ली के सीट पर हमारे यहाँ के नेता बैठे हैं। अगर इस धरती की शरण बसवेश्वर और ख्वाजा बंदा नवाज की इस नगरी की शान रखना है तो राधा कृष्णा जी को जिताना होगा। आए हुए सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है, सजाद साहब ने सारे हालात को आपके सामने में पेश किया, तो अभी ज़रूरी है कि मुल्क के हालात को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए। अभी मुल्क में बहुत ज़्यादा परेशानी दिख आ रही है सब लोगों को, तो अभी वक्त आ गया है कि आज आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हमारा फैसला हो जाएगा। तो अभी कम वक्त में हमें क्या करना है वो बहुत ज़रूरी हो गया है, कि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये जंग की स्थिति है। अभी जो इलेक्शन जो है हमारे लिए जंग की स्थिति है, हमें इस जंग में सब लोगों को शरीक होना है दिल से, और हमें जो है ना खड़गे साहब को, उनके कैंडिडेट को हमें कामयाब करना है। अगर हमने नहीं कामयाब किया, हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की, तो इसका भुगतना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। आप लोगों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा कि आने वाले पिछले इलेक्शन में किस तरीके से अल्लाह की मदद आई, और हम लोगों ने देखते देखते यहाँ से BJP का खात्मा करवा दिया। अब जो ये जो इलेक्शन है, MP साहब का जो इलेक्शन है, इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सब लोग सिंसियरली 7 तारीख को जिम्मेदारी के साथ, अगर हमने इस जिम्मेदारी को नहीं जवाब अच्छी तरीके से निभाया तो खुदा को हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जुल्म जो है बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया है, सब लोगों को बयां है, बच्चे को पता है कि अभी आने वाला इलेक्शन जो है ये करो या मरो का सिचुएशन है। अभी हम लोगों को इसमें अच्छी तरीके से यहाँ के MP को कामयाब करना है, और इसके लिए हर आदमी अपने अपने घर पे, अपने अपने लेवल पे, जो हमारे से लास्ट टाइम में जो हमारे से गलती हुई है उस गलती को नहीं दोहराने का है। एक एक वोट इम्पोर्टेंट रखता है। सज्जाद अली साहब के मकान पे एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के लिए वोट देने की अपील आप लोगों से की जा रही है। आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस को जिताइए। कांग्रेस के उम्मीदवार राधा कृष्णन साहब है, और ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करें ताकि BJP को हम हरा सके। सज्जाद अली इनामदार साहब जो है हमारे को न्यू कलबुर्गी सिटी ऑटो ड्राइवर्स यूनियन वालों को यहाँ पर जो है बुला के जो है इस्तकबाल करके ये करे हैं। बहुत बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी इससे जो है मैं AITC कलबुर्गी यूनियन ड्राइवर्स के हिस्से से, अब हमको जो है इस वक्त ऐसा इम्तिहान है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इसको जो है कांग्रेस पार्टी को किसी हाल में जिताना है। यानी कांग्रेस पार्टी को जिताना नहीं है, संविधान को
बचाना है, अगर हमको संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को किसी हाल में वोट देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर आली जनाब सज्जाद अली साहब ने एक पब्लिक मीटिंग बुलाई है जिसमें हमें भी शिरकत की दावत दी थी, हमने शिरकत की है। जिस तरीके से सज्जाद अली साहब का हमने हर वक्त साथ दिया है, इस वक्त भी खड़गे साहब हो या राधा कृष्ण साहब हो, सज्जाद अली की सूरत से हम ये काम अंजाम देंगे। जितने हो सके हमसे हर घर को जाकर वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाली हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा।